तो फॉर्म फिल करने के लिए आ जाने आपको अपने ब्राउजर के ऊपर, ब्राउजर पे टाइप करना आपको पीजीआई चंडीगढ़। सो पीजीआई चंडीगढ़ सर्च करेंगे तो पहली साइट मिल जाएगी आपको pgiemer.edu.in, इस पे करेंगे क्लिक। सो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारे पास। नीचे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स। सो इसमें जो व्यू ऑल का ऑप्शन है, इस व्यू ऑल के ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। सो 8 नंबर के नोटिफिकेशन देख सकते हैं, बीएससी पैरामेडिकल एंड बैचलर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्स नोटिस एंड एप्लीकेशन फॉर्म, तो करेंगे इस पे क्लिक। क्लिक करते के साथ ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, क्लिक हियर फॉर नोटिस एंड एप्लीकेशन फॉर्म लिंक। तो हमें तो भरना एप्लीकेशन फॉर्म, तो क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पे। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसे अपलोड करके पढ़ सकते हैं, लाइक क्लिक हियर फॉर द पैरामेडिकल प्रोस्पेक्टस, इसके अलावा हाउ टू फिल द फॉर्म, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सब चीजें जो है डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए की डेट्स, जो फॉर्म की फिलिंग है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की है 5 जुलाई 2024। यहाँ पर देखेंगे आपको दो ऑप्शन, न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अगर हमें पहले ही करके रजिस्टर्ड यहाँ पर लॉगिन करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। सो ये आ गई है एप्लीकेशन डिटेल्स। तो यहाँ भरना है आपको अपना नेम, यहाँ भरना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर एज ऑटोमेटिकली आ जाएगी, यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको अपना जेंडर, यहाँ भरना है मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर कन्फर्म करना है, फिर भरना है ईमेल आईडी, और यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो कन्फर्म करना है। इसके अलावा यहाँ पर दिख रहा है कैप्चा, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर दिख रहा है टिक का ऑप्शन, आई एग्री, टिक करना है और सबमिट कर देना है तो हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा यहाँ पर एक डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, यहाँ पर भी टिक का ऑप्शन है, इसको भी टिक करना है। तो चलिए भर लेते हैं हम सारी डिटेल्स। सारी चीजें फिल करने के बाद जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ दिख रहा है आई एग्री का ऑप्शन, इस पर करेंगे टिक, और यहाँ दिख रहा है सबमिट का ऑप्शन, कर देंगे सबमिट पे क्लिक। तो क्लिक करने के साथ यहाँ पर एक ऐसा पॉपअप आ जाएगा, द इन्फॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्लिक ऑन ओके बटन इफ यू हैव वेरीफाइड द इन्फॉर्मेशन टू बी करेक्ट एंड टू सबमिट एल्स क्लिक कैंसिल। मीन्स यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ और नाम वगैरह दे दिया है उसको दोबारा से मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो करेंगे हम ओके पे क्लिक। सो ये आ गया हमारे पास रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आ गया है। इसके अलावा प्लीज नोट इट फॉर फर्दर फ्यूचर रेफरेंस, एन ईमेल एंड एसएमएस हैव बीन सेंड कंटेनिंग एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। तो जो आपने मेल आईडी दिया है, फोन नंबर दिया है, उस पर भी जो एप्लीकेशन नंबर है ये आ गया है, और आप इसकी फोटो खींच के भी रख सकते हैं। सो ये पहुंच गया पर्सनल डिटेल्स भरने के सेक्शन पे। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन, तो करेंगे गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक। अब यहाँ से फिल करना है आपको फॉर्म, जो जो डिटेल्स आपने पहले दी थी वो यहाँ से उठा लिया उसने, जो डिटेल्स नहीं भरी हुई है चलिए इसको भरते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है हमें कैटेगरी, तो कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और नेशनल स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, ये सारे आ रहे हैं, यहाँ पर कोई भी ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं है, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं जनरल। तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको क्वालिफाइंग डिग्री, सो मेडिकल विद पीसीबी, नॉन मेडिकल, पीसीएम, इसके अलावा 10+2 वोकेशनल एक्सरे के साथ, 10+2 वोकेशनल लैब के साथ, 10+2 एनी स्ट्रीम, इसके अलावा आपने डिप्लोमा कर रखा है, से बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप जो कोर्स डालेंगे उसके अकॉर्डिंग जो एंट्रेंस में क्वेश्चन है वो आएंगे। सो बेसिकली हम देखने वाले हैं कि अगर आपके पास +2 में पीसीबी होती है तो उस केस में आप क्या क्या कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे वहां पर होने वाला है पूरा प्रोसेस, तो हम 10+2 के बेस पे ही देखने वाले हैं सारी चीजें। सो 10+2 में आप मेडिकल विद पीसीबी भर सकते हैं, इसके अलावा 10+2 एनी स्ट्रीम, लास्ट के दो कोर्सेज बताए हैं आपको, उन कोर्सेज में आप एप्लीकेशन इस एलिजिबिलिटी के साथ ही कर सकते हैं। सो हम भर देते हैं मेडिकल पीसीबी, सो यू आर एलिजिबल फॉर द बिलो कोर्सेज, आप इन सब कोर्सेज के लिए रहेंगे एलिजिबल। सो टोटल 11 कोर्सेज आ रहे हैं, इन 11 कोर्सेज के लिए हो जाएंगे पीसीबी वाले एलिजिबल। लाइक सपोज को अगर हम सेलेक्ट करते हैं पीसीएम, सो पीसीएम के लिए ये 6 कोर्सेज के लिए एलिजिबल है आप। सो अगर आप सेलेक्ट करते हैं 10+2 एनी स्ट्रीम, सो आप इन दो कोर्सेज के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। सो हम सेलेक्ट करने देते हैं पीसीबी मेडिकल, सो हम इन 11 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डाला आपको अपना फादर नेम, यहाँ मदर नेम, यहाँ डाला मैरिटल स्टेटस, यहाँ डाली नेशनलिटी, क्या हैव यू स्टडीड अब्रॉड, यहाँ यस या नो का ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके अलावा यहाँ भरना है आपको अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सेलेक्ट करना है सिटी या टाउन, यहाँ भरना है पिन कोड, यहाँ भरनी है कंट्री, यहाँ भरना है स्टेट। इसके अलावा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर इसके ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक, या अगर नहीं है तो आपको जो परमानेंट एड्रेस है वो दोबारा डालना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए भर लेते हैं हम सारी डिटेल्स फटाफट, क्योंकि फॉर्म जो है वो ऑलरेडी ओबीसी से भरा जा रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पर सारे स्टेट दिख जाएंगे,
यहां सेलेक्ट कर लेते हैं दिल्ली। तो यहां सेलेक्ट कर लेना है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट। तो ये भर दिया हमने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी सेम है तो हम जो यस का ऑप्शन इस पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ भी एड्रेस जो है नीचे भर जाएगा। तो ये भर दिया हमने एड्रेस, यहाँ पर दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, तो करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। डेटा सेट सक्सेसफुल ऐसा पॉप आ जाएगा, ओके करके इसको हटा देंगे। नेक्स्ट बनना है आपको अपना इंस्टीट्यूट का नेम, मीन्स आपने क्लास 12 कहां से पास की है। सो यहाँ दिखा रहे क्वालिफाइंग स्टेटस, सो अपेयरिंग का रिजल्ट अवेटेड है, इसके अलावा पास का ऑप्शन भी है। तो रिजल्ट तो सब जगह क्या ही चुके हैं, आप यहाँ पर पास का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम करते हैं पास का ऑप्शन सेलेक्ट, तो यहाँ डालना है आपको अपना पासिंग मंथ एंड ईयर, यहाँ मार्क्स ऑब्टेंड, यहाँ मैक्सिमम मार्क्स और कितने परसेंट बने। तो चलिए डाल देते हैं फटाफट सारी चीजें। सो यहाँ डाल दिया हमने मार्क्स, यहाँ पूछ रहा है प्रेजेंटली इन गवर्नमेंट सर्विस, तो यहाँ कर देंगे नो पे क्लिक। यहाँ पर आपको सेंटर चॉइस डिटेल, सो जो भी आपके पास का सेंटर हो वो कर लेना आप सेलेक्ट। तो जैसे हम करते हैं फर्स्ट पे दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट, सेकेंड पे करते हैं हम चंडीगढ़ सेलेक्ट, और थर्ड पे सेलेक्ट करते हैं हम अंबाला। डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। डेटा सेव सक्सेसफुली, ओके पे करेंगे क्लिक। अब आ गए हम अपलोड के सेक्शन पे। सो यहाँ पर अपलोड करना है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, यही कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे, अपलोड योर रिसेंट करेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ करना है अपलोड, इसके अलावा सिग्नेचर करना है यहाँ अपलोड, थंब इंप्रेशन करना है यहाँ अपलोड, 10th क्लास की मार्कशीट, यहाँ क्लास 12th की मार्कशीट और कोई अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो कर देना है यहाँ पर अपलोड। सो अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट पे स्टार का मार्क नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, बाकी जो है वो सब स्टार मार्क वाले हैं, तो ऐसे कुछ करना है आपको अपलोड। चलिए करते हैं एक एक करके सारी चीजें अपलोड कर लेते हैं। यहाँ दिखा देगा आपको साइज की, किस साइज के अंदर की फोटो है अपलोड होने चाहिए, सो आप इसको पहले से रिसाइज कर करके वरना अपलोड नहीं होगा। तो ये फोटो है वो 50 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। हमने फोटो सेलेक्ट किया, यहाँ पर लिखा गया फाइल अपलोड सक्सेसफुली, तो यहां से कर देंगे इसको क्लोज। तो फोटो अपलोडेड, ग्रीन आ गया है टिक। नेक्स्ट करेंगे सिग्नेचर अपलोड, तो यहां पर कर दिया सिग्नेचर अपलोड, इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट करना है आपको अपना थंब इंप्रेशन अपलोड, हो गया थंब इंप्रेशन अपलोड, करेंगे इसको क्लोज। 10th क्लास की मार्कशीट, साइज होना चाहिए इसका 100 केबी से 1 एमबी के बीच में होना चाहिए। ये करते हैं सारी चीजें अपलोड, तो यहाँ सारी चीजें जो है अपलोड कर दी, सब पे ग्रीन का ऑप्शन आ गया है। नेक्स्ट आ रही है पेमेंट डिटेल्स, तो हमने सेलेक्ट किया था जनरल, तो जनरल के लिए जो अमाउंट है वो है 1500 रुपीज, 1200 फॉर द एससी एसटी, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। सो यहाँ पर आ रहा है डिक्लेरेशन का सेक्शन, तो यहाँ पर जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है सभी चीजों पर टिक कर देंगे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी सही है, आपने इसको दोबारा से पढ़ लिया है, तो सारी चीजें कर देंगे यहाँ पर टिक। यहाँ दिख रहा है कैप्चा, इस कैप्चा को करेंगे फिल, कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको आई एग्री का ऑप्शन, तो करेंगे आई एग्री भी ऑप्शन पे क्लिक, और यहाँ दिख रहा है सबमिट का ऑप्शन। इसके अलावा आप यहाँ प्रीव्यू भी कर सकते हैं जो आपने भरा है डिटेल्स, तो हम कर देते हैं सबमिट पे क्लिक। ऐसा पॉपअप आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो करेंगे इस पे ओके पे क्लिक। सो इसके बाद आप पहुंच जाएंगे पेमेंट डिटेल्स के ऑप्शन पे, तो यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई, इन सभी कर सकते हैं पेमेंट। सो आप डेबिट कार्ड यूज करें फटाफट पेमेंट हो जाती है। तो यहाँ डालना है आपको अपना कार्ड नंबर, यहाँ डालना है कार्ड होल्डर नेम, यहाँ डालना है एक्सपायरी कब से कब तक है, इसके अलावा यहाँ डालना है सीवीवी, और यहाँ दिख रहा है पे नाउ का ऑप्शन, तो करेंगे पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक। थोड़ा सा टाइम लेगा और ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगी, और आपको रिडायरेक्ट कर देगा ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के सेक्शन पे, वहां से आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीटेड वो डाउनलोड करके रख लेना है एंड यू आर डन। सो एडमिशन के लास्ट राउंड चल रहे हैं, अभी तक मैक्सिमम फॉर्म जो है उनकी डेट जा चुकी है, इस फॉर्म की डेट अवेलेबल है। सो अगर आपका एडमिशन कहीं नहीं हो रहा है तो उस केस में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्म फिलिंग फॉर द पीजीआई चंडीगढ़। कोर्सेज के बारे में कंप्लीट डिटेल्स का एक अलग वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं, और यू कैन विजिट द चैनल टू सी मोर सच वीडियोस। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडी।